Put your future in good hands, your own. Exactly. You heard me right. You are the one who is responsible for a good future for yourself. किसी और की जिम्मेदारी नहीं है कि वो आपके लिए एक अच्छा फ्यूचर बनाए, आपकी लाइफ को बेहतर करे, आपको अच्छी जॉब दिलाए, आपको ज्यादा पैसे कमा के दे, आपको वो खुशियां दे जो आप चाहते हो, जो समझते हो कि आप डिजर्व करते हो। ये किसकी जिम्मेदारी है? आपकी अपनी। होता क्या है कि लोग अक्सर सीवी भेजते हैं, कहते हैं प्लीज रेफर कर दें। ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है कि आपको अच्छी जॉब मिल जाए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज, क्यों मैं ये बात कर रहा हूँ, ना आप सीवी सही बनाते हो, ना उस पर मेहनत करते हो, ना सही मानों में अपना एक्सपीरियंस, एजुकेशन, अपना ऑब्जेक्टिव लिखते हो, ना सही मानों में बैठ के रिसर्च करते हो किन कंपनीज में अप्लाई करना चाहिए, उनकी वेबसाइट्स पे जाके ना उनका ईमेल एड्रेस कलेक्ट करते हो, ना उनका पीटीसीएल नंबर कलेक्ट करते हो, ना उनको सीवी भेजते हो, ना उनको आप कॉल करते हो, ना उनका फॉलो अप करते हो, और आई सारा काम छोड़ के आप एक ऐसा शख्स ढूंढने पे लग जाते हो जो आपका सीवी कहीं भेजे और आपको वहां जॉब मिल जाए। शॉर्टकट्स, कंफर्ट जोन, आसान तरीके, ऐसा नहीं है तो बताएं। तो अगर ऐसा है तो इसका मतलब कि आप अपनी फ्यूचर का फैसला किसी और के हाथ में दे रहे हैं। वो नहीं करता तो नहीं होगा, वो कर देता तो हो जाएगा। फिर आप ये एक्सक्यूज देते हैं कि एक्चुअली रेफरेंस के बगैर नौकरी नहीं मिलती। ऐसा है कि नहीं? अपने फ्यूचर का फैसला, अपनी लाइफ की गाड़ी का स्टीयरिंग अपने हाथ में लो। एफर्ट करो, मेहनत करो, इम्प्रूव करो, सीखो, ग्रो करो, नए लोगों से मिलो। मिसाल के तौर पे मुझे सीवी भेजने की बजाय अगर आप मुझे कहते हैं कि मुझे 5-10 मिनट फ़ोन पे बात करनी है आपसे, और फ़ोन पे बात करते हुए आप पूछते हो कि कैसे सीवी बनाते हैं, कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे मार्केट रिसर्च करते हैं, कैसे शॉर्टलिस्ट करते हैं, कैसे कौन सा डिपार्टमेंट मेरे लिए बेहतर होगा, ये कैसे जानना है, ये सारी मालूमात इकट्ठी करके आप इस पे अगर खुद से एक्शन लेना शुरू करते हो तो आपका फासला कम हो जाएगा कामयाबी तक पहुंचने का। आप जल्दी पहुंच जाओगे, आप बेहतर तरीके से पहुंच जाओगे। आप उन लोगों की तरह नहीं होंगे जो आराम से हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं किसी और की तरफ से हेल्प का इंतजार कर रहे हैं। हेल्प उसको की जाती है जो अपनी मदद करने के लिए तैयार हो। अगर आपको कहा जाए कि अपना सीवी पहले इम्प्रूव करो फिर मैं आपका सीवी शेयर करूंगा, और आप इम्प्रूव ना करो, यू डोंट वॉन्ट मी टू यू हेल्प यूर सेल्फ, कैसे होगा? इसलिए अपने फ्यूचर की कामयाबी का जो भी जिम्मेदार है वो आपको अपने आप को ठहराना होगा। खुद जिम्मेदारी लें, इम्प्रूव करें, सीखें, आगे बढ़ें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।